अभी कौन कौन आया? अच्छा, सर वो अफरीदी के घर की लाइट चली गई तो उसकी कॉल वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो बता अफरीद रहा तो था पहले भी मारता भाई, क्या हो गया? सर। वो बीमार पार बोला वाले तो कोई किसी से डिफरेंट लगा लो ना। नहीं सर, बीमार था नहीं, क्यों? अब उसकी वो लाइट चली गई तो उसका वो बंद हो गया, जूम बंद हो गया, मैं ये बता रहा हूँ नहीं तो वो पहले मैंने से पूछा था, अफरीदी तो पहले था ही नहीं। सर। अफरीदी था लेकिन उसका माइक म्यूट था सर। यस सर, चलो, अब वो अभी कॉल तो से बिजी है। आप में से 12 लोग आए हैं अभी तक। जी सर, कोई नहीं, इसकी बात भी यकीन कर ले, रोजे में है। मौलवी मस्जिद में है और बंदा रोजे में ही सबसे ज्यादा झूठ बोलता जी ठीक है ना। तो खैर, एनी हाउ, अब बात हो रही थी, हम यहाँ पे थे। तो इसका टैक्स ईयर होगा 2021, ठीक हो गया? क्योंकि ये जो नॉर्मल ईयर है इसका रेलिवेंट कैलेंडर ईयर 2021 बनता है, सो इसका टैक्स ईयर 2021, इसको हम कहते हैं स्पेशल ईयर। इसी तरीकों को फॉलो करते हुए आप कोई भी स्पेशल ईयर निकाल सकते हैं। मतलब अगर ये कैलेंडर ईयर की जगह जो है वो बैंकों ने, अगर फॉर फॉर एग्जाम्पल बैंकों की बजाय वो राइस हस्किंग होता या कोई और यूनिट होता, वो जिसका 30 सितंबर होता या 31 अगस्त होता, तो इसी तरह आप वो 12 महीने यहाँ रखते, फिर आप देखते कि नॉर्मल टैक्स ईयर में कहाँ फॉल कर रही है इसकी क्लोजिंग डेट, और उससे रेलिवेंट जो कैलेंडर ईयर होता वो इसका टैक्स ईयर होता। तो ये हो गया स्पेशल टैक्स ईयर। अब इसके बाद एक तीसरी चीज आती है, उसको हम कहते हैं, जो आपने पढ़ी भी, वो है कौन सा? क्यों भाई, कौन सा ईयर है वो? ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता बताएं? फर्ज कीजिए, हाँ, ट्रांजिशन का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर। तो उस मूवमेंट के दरमियान की जो स्पेस है उसको कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के दरमियान जो स्पेस है उसको कहते हैं ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन क्या है? एक शख्स है, उसका टैक्स ईयर जो था, फॉर एग्जाम्पल वो टैक्स ईयर था नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है? क्या था? नॉर्मल टैक्स ईयर। फर्ज कीजिए एक शख्स का था नॉर्मल टैक्स ईयर और वो खत्म हो रहा था 30/6/2019। कब खत्म हो रहा था? जून 2019। हाँ, अच्छा, अब उसकी ये जो मैं थोड़ा सा, अभी आपको जरूरत नहीं है ये याद करने की, इसकी जो रिटर्न है ना 30 जून की, इंडिविजुअल्स की 30 सितंबर को जाती है और जो कंपनीज होती हैं उसकी जाती है 31 दिसंबर को। फर्ज कीजिए इसकी रिटर्न, ये कंपनी थी तो इसकी रिटर्न जानी थी 31/12/2020, ठीक है? कब जानी थी? सॉरी, 19 तक।
ठीक है, इसकी रिटर्न जानी थी 31/12/2019 को और ये रिटर्न इसने फाइल कर क्या कर दी, फाइल कर दी। अब इसका जो नया टैक्स ईयर शुरू हुआ हुआ है वो शुरू हुआ है न्यू टैक्स ईयर जो है न्यू नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है, न्यू नॉर्मल टैक्स ईयर, क्योंकि 30/6/2019 की तो रिटर्न चली गई लेकिन न्यू नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो इसका शुरू हुआ 7/1/2019 को, ठीक है। अब ये इसका नया टैक्स ईयर चल रहा है और ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम पहुंच गए हैं 31/12/2019 में जब इसने अपने 30/6/2019 की रिटर्न फाइल कर दी, ठीक है। कहां पहुंच गए हैं 31/12/2019, हाँ ठीक है। अब इसको ख्याल आया 31/12 को पहुंच कर कि यार मेरे लिए ज्यादा बेहतर है कि मैं कैलेंडर ईयर को अपना टैक्स ईयर बना, ठीक है। इसको क्या ख्याल आया, इसको ख्याल आया कि मैं कैलेंडर ईयर को अपना टैक्स ईयर बना लूं, ठीक है जी। तो उसने SCCP में अप्लाई किया एंड गॉट ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ ईयर, देन ही वेंट देन द कंपनी वेंट, कंपनी हम बात कर लेते हैं, टू FBR फॉर चेंज इन टैक्स ईयर, ठीक है। वो कमिश्नर के पास अप्लाई कर दिया उन्होंने सारा, eventually it is allowed. अब अलाउ हो गया, अब क्या होगा, दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो हम पढ़ आए वो ये है टैक्स ईयर कितने पीरियड से ज्यादा का नहीं हो सकता, 12 months, yes, 12 महीने का हो सकता, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। लेकिन ये जो ट्रांजिशनरी ईयर है ये 12 से कम का हो सकता, ठीक है। सो अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक पीरियड है वो है 7/1/2019 से स्टार्ट हुआ हुआ और हम इस टाइम बैठे हुए हैं 12/31/2019, ठीक है। ये पीरियड है 6 months, ठीक हो गया। जी सर, एक पीरियड है जो शुरू होगा 1/1/2020 से और खत्म होगा 31/12/2020 को, एम आई राइट जी। ये कितने महीने हैं, 12 months, तो ये तो इसका मतलब है कंप्लीट टैक्स ईयर हो गया जी, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशनरी टैक्स ईयर, ठीक है। और एक पीरियड वो था जो खत्म हो गया, वो एक वो 7/1/2018 से शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ था, कब खत्म हुआ था भाई, वो जिसकी रिटर्न फाइल कर दी हमने, ये कौन है यार, स्टॉप इट वरना मैं म्यूट कर दूंगा सबको। वो खत्म हुआ था 30/6/2019, क्लियर हो गई चीजें, ठीक हो गया। ये था उसका अर्लियर नॉर्मल टैक्स ईयर, ये तीन पीरियड थे। ये वाला जो था 30/6/2019 जिस कैलेंडर ईयर में ये फॉल कर रहा था ये था टैक्स ईयर 2019, ठीक है जी। ये ऊपर हमने कैलकुलेशन की हुई है, आपको पता लग जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर। ये जो टैक्स ईयर है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसका एंड जो है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, वो कर रहा है 2021 वाले में,
तो वो जिस कैलेंडर ईयर को डोनोट करता है वो करता है 2021 को, तो इसका टैक्स ईयर हो जाएगा 2021, ठीक है। अब 2019 भी हो गया, 2021 भी हो गया, एक टैक्स ईयर इसमें मिसिंग है, सर वो ट्रांजैक्शनल हो जाएगा उसमें आ जाएगा। हाँ, और वो कौन सा होगा? 2020। यस, वेरी गुड। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो 2020 हो गया। तो अब आप देखेंगे कोई ईयर इसमें से मिस नहीं हुआ, टैक्स ईयर 2019 से हमने छोड़ा, 21 में चले गए और 20 ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ये नॉर्मल टैक्स ईयर और ये स्पेशल टैक्स। बात समझ में आई या नहीं? ये इस वाले पॉइंट को इसको मैं जरा रेड कर देता हूं, इसको और इसको हमने कैलकुलेट किया ऊपर वाली ये जो मैंने दो चीजें आपको बताई थी इसकी बुनियाद पे, नॉर्मल को नॉर्मल से, स्पेशल को स्पेशल से, और इन दोनों के दरमियान जो था वो ट्रांजिशन थी, इसलिए हमने उसको ट्रांजिशनली टैक्स ईयर का नाम दिया और वो 2020। ठीक हो गया जी? यहां तक किसी को समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता, और यहीं तक आज का हमारा पीरियड है। अरे क्विक रीकैप दे दे। श्योर। देखो 12 महीने के पीरियड को टैक्स ईयर कहते हैं, ठीक है। एक टैक्स ईयर आपके एक साल या 12 महीने के पीरियड्स को कवर करता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो सेक्शन 74 में दी हुई थी, सेक्शन 74 ने जब नॉर्मल ईयर डिफाइन किया था, 74(1) की बात हो रही है, ये देखें 74(1) में वो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन द 30th डे ऑफ जून हियर इन आफ्टर रेफर टू एज नॉर्मल टैक्स ईयर। उसको 30th जून को खत्म भी होना चाहिए, ठीक है, एंडिंग होनी चाहिए 30 जून को, एक पीरियड है जो 30 जून को खत्म होगा। अगर 30 जून को खत्म होगा तो 12 महीने के लिए आज से उसे शुरू 1 जुलाई से होना चाहिए, नेक्स्ट जो है प्रीसीडिंग, ठीक है ना, नॉट नेक्स्ट फॉलोइंग, प्रीसीडिंग टैक्स ईयर यानी प्रीसीडिंग पीरियड। तो 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक जो 12 महीने या 365 डेज बनेंगे वो 12 महीने का एक पीरियड होगा जो कि 30 जून को खत्म हो रहा। अब वो ये कहता है कि जिसमें वो एंडिंग डेट फॉल करती है कैलेंडर ईयर, जिस कैलेंडर ईयर में वो एंडिंग डेट फॉल करती है वही उसका टैक्स ईयर होगा। तो यहाँ पे जो कैलेंडर ईयर है फॉल जिसमें वो कर रही है वो है 2020, क्योंकि 30 जून जो है 1 जनवरी 2020 से लेके 31/12/2020 वाले कैलेंडर ईयर में फॉल करती है, सो इसका टैक्स ईयर होगा 2020। अब आ जाए स्पेशल ईयर में, जब कोई आदमी नॉर्मल इनकम ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर लेके नहीं चलना चाहता तो वो पहले अपना इनकम ईयर जाके एससीसीपी से चेंज कराता है कि मुझे अकाउंट से एक डिफरेंट पीरियड के लिए बनाने की इजाजत दी जाए। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि बैंकों का नॉर्मली कैलेंडर ईयर टैक्स ईयर होता, तो वो अगर इजाजत ले लेता है, उसे इजाजत मिल जाती है, तो अब वो क्या होगा, उसका टैक्स पीरियड जो है वो 12 महीने का कैलेंडर ईयर स्टार्ट होगा स्पेशल ईयर का 1/1/2020 से और खत्म होगा 31/12/2020 को, ये 12 महीने पूरे हो गए। तो अब हमने देखना है ये इसकी जो एंडिंग डेट है ये वाली, ये किस नॉर्मल ईयर में फॉल करती है। नॉर्मल ईयर जो है वो 30/6 को खत्म होता है, तो 30/6 को इसने फॉल करना है, 31/12/2020 वाले ने 30/6 जो 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ और सॉरी 2020 से शुरू हुआ और 2021 में जाके खत्म होगा। सो इसका जो नॉर्मल टैक्स ईयर जो 1 जुलाई 2020 से शुरू हुआ 2021 30/6 को खत्म होगा, उसका जो कैलेंडर ईयर है यानी जिसमें ये एंडिंग डेट फॉल कर रही है 30/6/2021 वो कैलेंडर ईयर है 2021, इसलिए इसका टैक्स ईयर होगा 2021। ठीक है, अब ये दो चीजें अगर हमें कैलकुलेट करनी आ गई तो ट्रांजिशनल ईयर हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांजिशनल ईयर में क्या होता है कि एक बंदा नॉर्मल टैक्स ईयर से
स्पेशल टैक्स ईयर में जाता है या स्पेशल टैक्स ईयर से वापस नॉर्मल टैक्स ईयर में आता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें जो ज्यादा वास्ता पड़ता है वो ये है कि नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जाने का। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक शख्स था, उसका नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म हुआ 30/6/2019 को और उसने 31/12/2019 को अपनी रिटर्न फाइल कर दी। 31/12/2019 को उसने सोचा कि मुझे अपना टैक्स ईयर चेंज कर देना चाहिए, नॉर्मल टैक्स ईयर से मुझे स्पेशल टैक्स ईयर में आ जाना चाहिए। तो उसका दूसरा नॉर्मल टैक्स ईयर शुरू हो चुका हुआ था, वो था 1/7/2019 से शुरू हुआ था। अब वो बात आधा ईयर खत्म हो चुका था, 6 महीने गुजर चुके थे। सो उसने फैसला किया कि मुझे जो है वो ये करना है। उसने SECP में अप्लाई किया, ओके हो गया। FBR में किया, ओके हो गया। अब देखें कि उसने एक टैक्स ईयर उसका जो 1 जुलाई 2018 से 30/6/2019 ये वाला जिसकी रिटर्न उसने फाइल कर दी हुई है वो खत्म हुआ 30/6/2019 को, यानी नॉर्मल टैक्स ईयर था 2019। फिर हम नीचे आए, उसने दूसरा काम ये किया कि उसने अलाउ करवा लिया अपना 1/1/2020 से 31/12/2020 तक। अब वो 12 महीने के अकाउंट्स बनाएगा और उसका टैक्स ईयर स्पेशल ईयर हो जाएगा 2021। वो क्यों हो जाएगा? इसलिए कि 31/12/2020 फॉल करती है जिस इनकम ईयर में वो है, 30/6/2021 वाला, और उससे रेलिवेंट टैक्स ईयर जो है यानी कैलेंडर ईयर वो बनता है 2021। सो इसका स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो 2021 बनेगा। अब इन दोनों के दरमियान जो है अगर आप देखें 2019 से एकदम हम उठ के 2021 में आ गए, सो देयर मस्ट बी अ टैक्स ईयर इन बिटवीन देम विच इज अ ट्रांजिशनरी टैक्स ईयर फॉर द 6 months जो 1/7/2019 से शुरू हुए और 31/12/2019 को खत्म हुए। ये 6 महीने का पीरियड है, ये ट्रांजिशनरी टैक्स ईयर कहलाएगा और ये टैक्स ईयर 2020 होगा। तो अब आप देखें कि 2019, 2020 और 2021 हमारे टैक्स ईयर में कोई ब्रेक नहीं है। ठीक हो गया? यस सर। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। अब हमें दो चीजें पता लग गई कि एक पर्सन, फिर उसके बाद उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, और तीसरी चीज है हमारे पास टैक्स ईयर्स, कि टैक्स ईयर कैसे कैलकुलेट करने। ये बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए। तो अब होपफुली मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा, तो इन अब इसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस लूंगा। तो आज का पीरियड यहीं तक था, ठीक है। कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। कोई सवाल नहीं? नहीं सर, क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।